गुजरात में आज से उत्साह के साथ गौरी व्रत का प्रारंभ हुआ है। गौरी व्रत के प्रारंभ के साथ ही वडोदरा के महादेव मंदिरों में व्रतधारी लड़कियों की भीड़ देखने को मिली। वाघोड़िया के उमेश्वर महादेव मंदिर में भी गौरी व्रत और जया पार्वती व्रत करने वाली बालिकाओं और युवतियों का जमावड़ा देखा गया। आषाढ़ महीने की 13 से शुरू होने वाले 5 दिन का यह व्रत शिवजी को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने किया था। यह व्रत बालिकाओं द्वारा अच्छा पति पाने और सुख समृद्धि की कामना के साथ किया जाता है। हम यहाँ पे शिव पार्वती की पूजा करते हैं। मैं 7 साल से पूजा करती हूँ, ये मेरा आखिरी साल है। हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं अच्छे पति के लिए। हम इस व्रत में फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फिर बहुत जो बिना नमक का होता है वो सब खाते हैं। आज जया पार्वती व्रत का पहला दिन है। हर लड़की और सुहागन लोग जया पार्वती व्रत करते हैं, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। वो अच्छे अपने पति के लिए और पूरे संतान के लिए व्रत करती है। बड़ी मनोकामना से ये शिव पार्वती का व्रत करते हैं। जो भी व्रत करते हैं उसको उसका फल मिलता ही है। वडोदरा के महादेव मंदिरों में गौरी व्रत की पूजा करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बालिकाओं का जमावड़ा देखा गया। सुंदर परिधानों में सज्ज होकर हर उम्र की लड़कियां महादेव की पूजा करने के लिए पहुंची। इस व्रत में 5 दिनों तक बिना नमक का खाना खाकर सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। आज गौरी व्रत और जया पार्वती का पहला दिन है। गौरी व्रत हमारे देश में बहुत प्रचलित, नन्ही उम्र से, छोटी उम्र से बच्चे लोग जो नन्ही नन्ही बालाएँ होती है वो ये व्रत करती है। और ये व्रत में नमक के बिना ये उपवास होता है। बहुत कठिन उपवास है, ये 5 दिन का उपवास है। बिना कुछ खाए लड़कियाँ छोटी छोटी गौरी व्रत की जो करती है वो बहुत ही अद्भुत है। ये कोई कर नहीं सका, जिसके गौरी माता की जिसको शक्ति देती है वही ये लोग कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बालाएँ 5 दिन तक बिना कुछ खाए और नमक का बिना नमक का खाए ये व्रत कर रही है। ये गौरी व्रत अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा वर मिले, इसीलिए ये गौरी व्रत किया जाता है। ये व्रत पार्वती माता ने भी किया था और उसको ये शिवजी जैसे पति मिले, और इसीलिए ये व्रत का महत्व है। ये 5 दिन व्रत करने के लिए छोटी छोटी बालाएं जो होती है वो बड़ी होकर अच्छा जीवन बिता सके, इसीलिए ये व्रत किया जाता है। गुजरात के अमरेली के राजूला में लंबित प्रश्नों को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रांत अधिकारी को आवेदन दिया गया, जिसमें राजूला में सफाई, पानी, लाइट समेत की सुविधा सुचारू रूप से मुहैया कराने की मांग की गई। आज रोज राजूला शहर कांग्रेस समिति और तालुका कांग्रेस समिति द्वारा आवेदन पत्र दे राजूला विविध जगह पर एट्ले के पाइपलाइन पानी की तूटली से ज्यादा त्या गंदगी खूब है। वहीवटी शासन हो सत्ताई जो आ स्थिति थती हो तो न चलावी लेव जी। तालुका कांग्रेस समिति शहर कांग्रेस आगे वो द्वारा चर्चा कर राजूला में अनेक जगह पर कचरा ढगला खूबज पड़ेला है। पाइपलाइन पीवा पाइपलाइन से खूबज तूटेली हालत में जवाब मिले से। मानो कि मफतपरा रोड, वडली रोड पर से खूबज दैनिक हालत में पाइपलाइन तूटेली जेल है, जे तात्कालिक धोरण रिपेरिंग करे जो न कर तो उग्र आंदोलन करने अमरी फरज। शहर कांग्रेस प्रमुख रविभाई धाकड़ा, नगरपालिका पूर्व प्रमुख राहुलभाई धाकड़ा અને એમની સાથી યુવા મિત્રોની ટીમ દ્વારા આજ પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર દેવા માટે અમે આવ્યા છીએ અને અમે સરકારને જાણ કરવા માંગીએ છીએ કે રાજુલા શહેરની અંદર રાજુલા નગરપાલિકા દ્વારા સફાઈના કામમાં બહુ વિલંબ કરવામાં આવે છે। ડોર ટુ ડોર કચરાની ગાડીઓ બંધ છે અને સરકાર વિવિધ યોજનાથી સાધન સહાય પૂરી પાડે છે, છતાંય સાધનો ઉપયોગ કર્યા વગરના કચરાના ઢગલા સમાન સેનિટેશનમાં પડ્યા છે।
અને રાજુલાના નાગરિકો અવારનવાર રાજુલા નગરપાલિકાએ જઈ અને રૂબરૂ લેખિત ફરિયાદો અસંખ્ય ફરિયાદો કરવામાં આવે છે, છતાંય કચરાનો કોઈ નિકાલ કરવામાં આવતો નથી. ટૂંક સમયમાં શ્રાવણ માસ બેઠતો હોય અને આપણે ગોકુળ અષ્ટમી હોય અને તહેવારને લઈ અને રાતના અવર જવર વધતી હોય તો લાઇટોની વ્યવસ્થા પણ નથી, એમાં કોઈ બેન દીકરીની સલામતી નથી. આ વાત અમારી અને અમારી ટીમની, જો સરકાર ધ્યાને લઈ અને કચરાનો નિકાલ કરે, જ્યાં ત્યાં ગંદા પાણી ભરાય છે એનો નિકાલ કરે, લાઇટોની વ્યવસ્થા સારી કરે, બસ એટલી જ અમારી માંગણી છે. गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा में बीमारियां पनप रही हैं, जिसके चलते पालिका तंत्र ने एक्शन में आकर कई रेस्टोरेंट, होटल और खाने पीने के ठेले वालों को नोटिस देकर कार्रवाई शुरू की. पादरा में पिछले 3 दिनों से कॉलेरा के पॉजिटिव मामले बढ़ने से प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके चलते पालिका ने खाद्य पदार्थों की जाँच कर सड़े हुए पदार्थ का नाश किया, साथ ही गंदगी फैलाने वाले ठेले वालों को नोटिस भी दिया गया. आज रोज पादरा नगरपालिकाना विविध विस्तारों में खाणी पीणी की लारीओ, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह की तपासणी करवामां आवी छे. चालू कोलेरा ना रोगों ने कारण अगाउ पण फूड एंड ड्रग कमिश्नर अने पादरा नगरपालिकानी टीम द्वारा आ होटल रेस्टोरेंट की तपासणी करवामां आवी छे अने ए लोकोनुं आवतीकाले वर्कशॉप पण अने एक समझ माटे ए राखेल छे, तेमनी सामे तपासणी करी दंडकीय कार्यवाही पण करेल छे अने आश्रे अंदाजे हजु सुधी 25 ईसमोने आ नोटिस आपवामां आवी छे, एक जग्याए दंड पण करवामां आव्यो छे अने विविध विस्तारमां आ अंगेनी चकासणी करवामां आवी छे, जे राउंड ध क्लॉक चालु रहेशे. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every New Year, we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, yeah, tum number se grand living room with an amazing view, साथ ही comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view. Saath hai the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best baat hai apartments nahi hai kahin ya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के लिए लोगों का अजब गजब टोटका सामने आया है, जिसमें लोगों ने स्मशान के अंदर गधों से बुआई करवाई। इतना ही नहीं, शहर की नेताजी को गधे पर बिठाकर घुमाया भी। दरअसल अच्छी बारिश के लिए ये टोटका किया जाता है और दावा है कि इस टोटके के बाद 100% बारिश होती है। इतना ही नहीं, इस टोटके के बाद अगर बारिश अच्छी होती है तो गधों को गुलाब जामुन भी खिलाए जाते हैं। ये तस्वीरें मंदसौर के मुक्ति धाम की है। यहाँ लोगों ने टोटके के मुताबिक गधों से बुआई करवाई। इन सभी लोगों का दावा है कि स्मशान में काल भैरव की पूजा अर्चना और गधों से बुआई के बाद 100% अच्छी बारिश होती है और पूर्वजों के बताए अनुसार वो पिछले करीब 50 सालों से इस टोटके को अपना रहे हैं। जब जब भी इस टोटके को अपनाया गया तब तब मंदसौर में अच्छी बारिश हुई है। अरे पंडित जी आगे भगवान की जय। ओ भाई साहब, बता दें कि जहां एक और देश का आधा हिस्सा इन दिनों बाढ़ और बारिश की बर्बादी झेल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सूखे की कगार पर है। हालत ये है कि लोग अब यहां बारिश के लिए तरह तरह के जतन और टोने टोटके कर रहे हैं, जिसमें नेताजी को गधे पर घुमाने तक का टोटका अपनाया जा रहा है। प्रक्रिया रहती है कि अगर कहीं पे बारिश नहीं होती क्षेत्र में, तो उस प्रकार हम उज्जैनी का ऐलान करते हैं। उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं हमारे आसपास क्षेत्र में, उनको पूजा जाता है, चाहे वो जंगल में हो, शमशान में हो, कहीं पे उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उज्जैनी का हम परंपरा अनुसार करते हैं, ठीक है, इंद्र देवता मान जाए। और उस प्रक्रिया के बाद अगर 3 दिन में अगर बारिश नहीं होती, अधिकतर तो 3 दिन में इंद्र देवता मान जाए, उज्जैनी से भी कार्य हो जाता है, लेकिन अगर वो कार्य सफल नहीं होता तो उसके बाद हमको शमशान में आना पड़ता है और शमशान में आके नमक और उड़द की बोई करी जाती है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही। आप देखिए कि हम चांद के ऊपर चले गए, बड़ी बड़ी विज्ञान हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप गूगल पे बोलो बारिश कब होगी, ये चीज़ें सारी पता लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमको बता रखा है, उस पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। विगत 50 वर्ष से यह कार्य हम कर रहे हैं। जब भी मंदसौर में बारिश नहीं हुई तब हमने ये प्रयोग किया तो 100% बारिश हुई है। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बारिश हो। बारिश के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि बारिश कैसे भी हो, उसके लिए बाजार बंद करना और सब तरह का काम करते ही हैं, व्यापारी हो,
कोई भी हो, व्यापारियों में निराशा है, किसानों में निराशा है, उनकी निराशा कैसे भगवान दूर करे उसके लिए हम हर हर कार्य करने के लिए तैयार, चाहे हमको गधे पे बैठना पड़े, गधे से बुआई कराना पड़े, या हमें नग्न होकर शमशान में निकलना पड़े तो भी हम ये प्रयोग करने के लिए तैयार है। बारिश होगी तो जिन गधों ने आज अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, बारिश होते ही इनको गुलाब जामुन का सेवन कराया जाएगा और इसके बाद बारिश के बाद यह प्रक्रिया की जाएगी। इस भरूच लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनसुख वसावा लगातार सातवीं बार लोकसभा से सांसद बने हैं। उनके सम्मान समारोह का वडोदरा के शिनोर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजन किया गया। सांसद मनसुख वसावा के सम्मान समारोह में भाजपा वडोदरा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, वडोदरा जिला प्रभारी राजेश पाठक, करण भाजपा अध्यक्ष जयदीप सिंह चौहान समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल और सांसद मनसुख वसावा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। 15,000 से 20,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखने की बात चैत्र वसावा कर रहे थे, इस पर भी इस मौके पर तंज कसा गया। इस मौके पर मनसुख वसावा ने कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं। विरोध पक्षों से नहीं, परंतु कितने विदेशी ताकत पर जवाब प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में फरी भारतीय जनता पार्टी को शासन नहीं आवे, मोदी साहेब ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી ન બને એના માટે આ વિરોધીઓ આ દેશના વિરોધ પક્ષે તો મહેનત કરી જ છે, સંગઠિત થાય, પણ વિદેશી તાકાતો પણ આમાં કામ લાગી, અનેક ઘણા બધા પરિબળો કામ લાગ્યા, કેટલાક જૂઠાણા પણ એવા ચલાયા, એવા તો જૂઠાણા ચલાયા છે આપણે બધા સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ છેલ્લી કક્ષાના શબ્દો પ્રયોગ મોદી સાહેબ માટે અમારા માટે વપરાયા છે। એની વચ્ચે પણ આપણો કાર્યકર્તા સંયમમાં રહ્યો, અહીંયા હોય કે પછી દેશના લેવલે હોય, ઠીક છે આપણે 400 પાર નથી ગયા, પરંતુ આપણો શંકર ભગવત દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી બનાવવાના રીતે બનાવી રહ્યા, ભલે સીટો આપણી થોડી ઘટી છે એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી। ભૂતકાળમાં પણ અટલ બિહારી વાજપેયી વખતે આપણે એનડીએની સરકાર હતી, 25 જેટલા સાથી પક્ષોને સાથે રાખીને સફળતાપૂર્વક આપણે 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, દેશની પ્રજાની અપેક્ષા મુજબ આપણે દેશને સુશાસન આપ્યું છે, અને હવે પણ મને ખબર છે ત્યાં દિલ્હીની આખી સ્થિતિ, જે આપણા જે સાથી પક્ષો જે સપોર્ટમાં છે એ ક્યાંય જવાના નથી, અને કદાચ ત્યાં કોઈ રાજનીતિ છે ભાઈ, કોઈ આગો પાછો થાય તો એને કવર કરવાની પણ આપણા લોકોમાં ત્રેવળ છે, મને ખબર છે, બીજી કોઈ ચિંતા તમે નહીં કરતા। આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી બન્યા છે અને જે પ્રજાને વચન આપ્યું છે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં, આપણે પ્રજાને વચન આપ્યું છે કે અમે ફરી સત્તામાં આવીશું, ત્રીજી વખત પ્રધાન સરકાર બન્યા પછી અમે આટલું કામ કરી આ કરીશું, આ કરી આજ તો એટલા કાર્યો કરીશું, એ એ એ એ બધા પૂરેપૂરા કરવાના છે, એમાં કોઈ આગુ પાછું થવાનું નથી। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે 10 વર્ષ સફળતાપૂર્વક આ દેશને સુશાસન આપ્યું છે, અહીં રાજેશભાઈ વાત કરી એ પ્રકારે ક્યાંય કોઈ ભ્રષ્ટાચાર નહીં, પારદર્શક વહીવટ એટલે પારદર્શક વહીવટ। वहीं वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष ने भी लोकसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य निष्ठा निभाने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की। लीड अपावी है ये बदल तमाम कार्यकर्ताओं में खूब खूब आभार मानिए जी, कांग्रेस ना मित्रों, आपना मित्रों, आ बदल करजन विधानसभा में तो हमें आपने 15,000-20,000 मत ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમે પાછળ રાખવાના છે, આવી વાતો કરતા ચૈતર વસાવા મોટી મોટી વાતો કરે અને કરજણ વિધાનસભામાં આપણે આગળ નીકળવાના છે એવી વાતો કરીને લોકોને બીજી વિધાનસભામાં જઈને લોકોને ભરમાવે, પરંતુ મનસુખભાઈને અમે સ્પષ્ટ કહેલું તમે ચિંતા ના કરતા,
खजर विधानसभा 30,000 करता વધારે મતથી અમારા કાર્યકરોના ભરોસે અમે તમને કહીએ છે કે આ વિધાનસભા 100-100% આપણી પ્લસમાં નીકળવાની। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में 6 इंच बारिश हुई है। वहीं गांव में लगभग 3.4 इंच बरसात बरसने से हर जगह पानी भर गया है। नदियां नाले उफान पर हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर और जेसीबी भी पानी में बहते हुए नजर आए। गिर सोमनाथ जिले में केंद्र शासित प्रदेश दीव और गिर सोमनाथ के ऊना, गिरगढ़ा, सूत्रापाड़ा, वेरावल, कोड़ीनार, तलाला, गिर में धुआंधार बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे यहां के द्रोणेश्वर डैम का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। स्थानीय नदियां भी दोनों किनारों पर बह रही है, जिससे लोगों में और किसानों में खुशी का माहौल है। नदियों में आए नए पानी की लोग पूजा कर रहे हैं और देखने के लिए मौके पर भी उमड़ रहे हैं। गिर सोमनाथ जिले में भारी वर्षा के चलते पूरा जिला पानी पानी हो गया है। गिर के जंगलों में धुआंधार बारिश के चलते ज्यादातर नदियां उफान पर है। गिर सोमनाथ के प्राची तीर्थ से गुजरती सरस्वती नदी के तट पर भगवान माधवराय प्रभु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। यह मंदिर भी सरस्वती नदी के बहाव में पूर्ण रूप से डूब गया है। भगवान माधवराय जलमग्न हुए हैं। यहाँ माधवराय प्रभु के साथ पौराणिक पीपल का पेड़ भी है। सरस्वती नदी का जल चरण स्पर्श के लिए पीपल की जड़ तक पहुंच गया है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री भगवान माधवराय के जलमग्न होने से भगवान के चातुर्मास शयन की मान्यता को और बल मिला है। प्राची तीर्थ का नजारा इन दिनों अद्भुत देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर भक्त भी धन्य हो रहे हैं। आप अत्यारे श्री माधवराय जी प्रभु ना दर्शन करी रिया छो, मंदिर ना भगवान जलमग्न थी गया है। ऊपर बात पर वधारे वरसाद और स्थानिक वरसाद ने कारण सरस्वती नदी ने अंदर बहुत मोटा प्रमाण में पूर आ गयु। अत्यारे पूर आया ऊपर चौक में चढ़ी गयु है, तो भगवान ना दर्शन हवे दिवाड़ी सुधी तो नहीं थे भाई। पर भगवान नी ऊपर गादीघर से ज्यांथी भगवान ना आरती सेवा भोग बधुं करवामां आवे छे, ज्यां लाला नी स्थापना करेली छे एमना दर्शन करवाना छे। એટલે દરેક યાત્રિકોએ આવવું, મોક્ષ એકલો પણ ખુલ્લો હોય છે, પાણી પણ રેડાય છે અને ભગવાનના દર્શન પણ થાય છે।